उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए गोरखपुर में और इस दौरान वो बोले कि योग्य और व्यवहारिक नेतृत्व संजोएगा गोरखपुर का विकास। सीएम ने कहा कि गोरखपुर ने भी यूपी में विकास की एक नई पहचान बनाई है। कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 जिलों का दौरा किया, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर का, और इस दौरान सीएम योगी बोले कि जातिवादी राजनीति ने माफिया पैदा की है। जो पहले सीना तान कर चलते थे, आज तख्ती लटका कर जान की भीख मांग रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि दूध की नदियों के लिए जाना जाता था मथुरा, हमने लगाया मांस की बिक्री पर बैन, पवित्रता के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वैसे दोस्तों, निकाय चुनाव के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से ये बड़ी घोषणा कर दी है कि दिवाली और होली पर आने वाले त्योहारों पर एक एक फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को ये एक एक गैस सिलेंडर फ्री योजना का फायदा मिलेगा। बलरामपुर में सीएम ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडा राज चलता था, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली की जाती थी, लेकिन अब किसी माफिया की ये हिमाकत नहीं होती। अच्छा भाई दोस्तों, राम मंदिर को लेकर अपडेट आ रहा कि इसी साल सितंबर तक भगवान का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, जो प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा ना उसका, और अक्टूबर तक भव्य मूर्ति भी बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि मीडिया में कई जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय बोले कि ये अफवाह फैलाई गई है, अभी तक कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है प्राण प्रतिष्ठा की। हालांकि काशी के पंडित ने 2 तारीखें शुभ बताई है, उन पर विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा भाई देखिए, कल प्रयागराज में अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। इंद्रधनुष के रंग के गोल घेरे में दिखा सूरज, लोगों ने इस अनोखे नजारे को कैमरे में भी कैद किया, आप भी देख सकते हैं ये तस्वीरें, और वैज्ञानिकों ने इस घटना को सोलर हेलो नाम दिया। अधिक ऊंचाई पर बादल बनने की वजह से इस तरह की अनोखी खगोलीय घटना दिखती है। अच्छा वही अतीक अशरफ मामले पर बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि आखिर सीधे वैन से अस्पताल क्यों नहीं ले गए, हमलावरों को ये खबर कैसे लगी। अतीक अशरफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से ये जवाब मांगा कि एम्बुलेंस से क्यों नहीं लगे, उसे पैदल क्यों ले गए थे। देखते हैं योगी सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब पेश किया जाता है, वो तो मैं आपको बताई दूंगा अपडेट। लेकिन एक और अच्छी खबर देखिए, प्रयागराज में जो जमीन अतीक अहमद के कब्जे में थी ना, उस जमीन को खाली करा दिया गया और यहाँ पर PMAY होम्स बनाए जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे, फ्लैट बनाए जाएंगे, जहाँ कई परिवारों को आशियाना मिलेगा। और इतना ही नहीं देखिए दोस्तों, उमेश पाल मामले पर अशरफ का जो फरार साला है, उस पर इनामी राशि को भी बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया। पहले 50,000 रुपए इनामी राशि घोषित की थी, अब एक ही महीने में दूसरी बार ये राशि बढ़ाई गई है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का भी पैसा देगी सरकार, रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वह देखिए, निकाय चुनाव को लेकर भी योगी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया कि बिना अनुमति के निजी भवन या भूमि पर निकाय चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, शिकायत मिली अगर किसी के खिलाफ तो कार्यवाही होगी। वाराणसी में डिप्टी सीएम ने नारी शक्ति का आह्वान कर मांगे विजय श्री, महिला मोर्चा सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि मात्र शक्ति के बल पर बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। कानपुर देहात में डीएम ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया, सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दी और बोले कि लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। अच्छा भाई देखिए, यूपी रोडवेज के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। प्रदेश में मतलब रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को अब शिकायत करने के लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा, अब सीधे आप CUG नंबर पर अधिकारियों से शिकायत कर पाएंगे। इसको लेकर नंबर भी जारी किए गए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा, नंबर की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, औरैया में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 22 उद्यमी करेंगे प्रतिभाग, डीएम ने सेंट्रल बैंक प्रबंधकों के खिलाफ नाराजगी जताई, चेयरमैन को पत्र लिखकर जवाब मांगने को भी कहा। बड़ी खबर है, लखनऊ में जाम से निजात दिलाने के लिए अफसरों ने बैठक की और 11 स्कूलों ने प्रेजेंटेशन भी दिया, अलग अलग तरीके बताए कि किस तरह से आखिर रोड ट्रैफिक जाम से निजात पाया जा सकता है। स्कूलों के सामने जाम की ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। वहीं वाराणसी के BHU में देखिए, स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल्स इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रबंधन के लिए ये नई पहल की गई है, डॉक्टर आनंदिता चक्रवर्ती इस समिति की समन्वयक होंगी। अच्छा, गाजीपुर में भी मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ, 4 मई को 3 नगरपालिका और 5 नगर पंचायतों में अध्यक्ष सभासद के लिए पड़ेगा वोट। चलिए प्रदेश के आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यूपी में आज और कल भी धूल भरी आंधी और बारिश के आसार हैं। IMD की तरफ से कई शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। और देखिए, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की दुर्घटनाएं भी हुई। ललितपुर में आकाशीय बिजली से जल संस्थान कर्मी की जान चली गई, परिजन बोले कि नाते के साथ खेत में गए थे, मौसम खराब होने से बिजली गिरी। लखनऊ आगरा में भी आंधी चली, कानपुर में बारिश हुई, जालौन में भी बिजली गिरने से एक किसान की जान चली गई। यूपी के 30 जिलों में कुल मिलाकर के आज भी अलर्ट है ना। और वहीं प्रदेश में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए, अभी यूपी में कुल 3,239 एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के, यानी कि सक्रिय मामले चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 455 नए मामले आए, 4 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ
और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं। गोरखपुर में भी देखिए 25 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और वाराणसी में भी 3 नए केस आए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मेरठ जिले के 6 CHC को मिला कायाकल्प अवार्ड। सुदृढ़ीकरण के लिए इन्हें शासन से मिलेगी 1-1 लाख रुपए की राशि। वहीं कानपुर में मुख्यमंत्री के सलाहकार ने निरीक्षण किया, बोट क्लब में शेयर की, गंगा में सी प्लेन चलाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। अच्छा, गोरखपुर में एक महिला से देखिए 20 लाख रुपए की ठगी की गई, और वो भी किस तरीके से, जमीन के पेपर धोखे से ले लिए और उन पर 20 लाख रुपए का फर्जी लोन भी ले लिया। बैंक में खाता खोल करके वो लोन के पैसे भी हड़प लिए। जब लोन का नोटिस आया ना, तब जाकर के उस महिला को तो ठगी की जानकारी मिली। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप सावधान रहें और ऐसे हर किसी के विश्वास में ना आए। प्रॉपर्टीज के पेपर वगैरह को लेकर सजग रहें, कहने का मतलब है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, चुनाव से पहले भाजपा को मिली बढ़त। अलीगढ़ में बीजेपी के 5 पार्षद निर्विरोध सेलेक्ट कर लिए गए हैं। निकाय चुनाव में 1598 प्रत्याशी टोटल मैदान में हैं। अच्छा, वही देखिए रेलवे की DRM ने साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। रेलवे महिला कल्याण संगठन ने जागरूक किया, गर्मियों में यात्रियों को लेकर ठंडे पानी की व्यवस्था भी कराई जाए, ये भी आदेश दिए हैं। बरेली रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जागरूकता अभियान चला। वही देखिए यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके खिलाफ आपको बताऊंगा आजकल काफी विरोध किया जा रहा, तो वो अपने पैतृक गांव में ब्रजभूषण सिंह ने गौशाला, अस्तबल और अखाड़े का दौरा किया, समर्थकों को संदेश भी दिया। वैसे आपको बता दूं, इनका विरोध कर रहे पहलवानों ने ये ऐलान कर दिया कि जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे तब तक इनका धरना जारी रहेगा, और इन्होंने तो ये भी कहा कि अब वो कोर्ट में सख्त सबूत पेश करेंगे। वैसे ब्रजभूषण के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। WFI चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ अभी 2 FIR दर्ज हुई है, एक पोक्सो एक्ट में और दूसरी मालिक लड़कियों के आरोपों पर दर्ज की गई है। अच्छा, बड़ी खबर है, वाराणसी के रुद्राक्ष सेंटर से भी भव्य बनेगा गोरखपुर का कन्वेंशन सेंटर। यहां 5,000 लोगों के बैठने की भी व्यवस्था होगी। 25 एकड़ में गोरखपुर शहर के रामगढ़ ताल के किनारे इसका निर्माण कराया जा रहा है। वह देखिए प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। बारिश से खराब हुए गेहूं पर भी 2125 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदारी करेगी सरकार, यानी खराब गेहूं को भी किसानों से खरीदा जाएगा। इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और वह देखिए प्रदेश में छात्रों के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। 27 नए मेडिकल कॉलेजों में BSc नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी। कहां कहां के कॉलेजों में ये शुरुआत होगी देख सकते हैं आप। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया समेत टोटल प्रदेश के 27 नए मेडिकल कॉलेजों में BSc नर्सिंग की स्टडी शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा, वह देखिए मैनपुरी में डिंपल ने संभाली कमान, पहले ही दिन खेल दिया जीत के लिए बड़ा दांव। और हां दोस्तों, अभी तो अपन प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते तो हो, लेकिन अभी तक भी अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो फटाफट से कर लो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर उत्तर प्रदेश के ही सभी मेंबर जुड़े हुए हैं और ये अपने सभी प्रदेशवासियों की एक कम्युनिटी है जहां पर आपको रोज अपने राज्य उत्तर प्रदेश की ताजा समाचार, मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण न्यूज मिलती रहेगी। योगी सरकार की कोई भी नई योजना आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा, तो कभी कोई इंपोर्टेंट न्यूज आप मिस नहीं कर पाएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, है ना। और आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए, अब आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, अच्छा वही खबर है कि आज गंगा पुष्कर कुंभ को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगमम के बाद अब तेलुगु संगमम का आयोजन होगा और आज शनिवार को PM मोदी शाम 7 बजे वर्चुअल माध्यम से काशी आए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत भी करेंगे। वह देखिए दोस्तों, अलीगढ़ में 1598 प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह, प्रतीक आवंटन के बाद प्रचार और तेज होगा। बड़ी खबर है, इग्नू स्टडी सेंटर के पुनर्निर्मित भवन का हुआ उद्घाटन। अलीगढ़ में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति के संज्ञान में ये लेबोरेटरी का उद्घाटन भी किया गया। डिजिटल फोरेंसिक लैब व ई सामग्री प्रयोगशाला की शुरुआत हुई। अच्छा, काशी के जैसे ही बांके बिहारी धाम भी बनाया जाएगा। CM योगी बोले कि 32,000 करोड़ की योजनाओं से लौटेगा ब्रज का वैभव। वह देखिये निकाय चुनाव में बसपा ने नई सोशल इंजीनियरिंग खेली और देखिए धर्म के आधार पर नया दांव पेच खेला जा रहा। मेयर की 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे। बसपा ने दलित और मुस्लिमों को साधने के लिए मायावती की ये नई कोशिश है। बड़ी खबर है, काशी की 1,27,000 महिलाएं बनी उद्यमी। फूलों की खेती बेचकर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बना करके ये 10,000 रुपए हर महीना कमा रही है। यूपी सरकार की ओर से आज ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वावलंबी बनाई गई महिलाओं की संख्या जारी की गई है और जिसमें देखिए सिर्फ वाराणसी जिले में ही लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई है। वाकई में ये योगी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है प्रदेश की माताओं बहनों के लिए। अच्छा वही देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देश का सबसे एडवांस जेम टेस्टिंग लैब बनाया गया है। जेम टेस्टिंग का मतलब, इस लेबोरेटरी में रत्नों की पहचान होगी, सोना की प्योरिटी वगैरह चेक होगी। 10 मिनट में हीरा, सोना, रत्न, डायमंड असली है या नकली ये जांच हो सकेगी और यहाँ तक कि इसका दिया हुआ सर्टिफिकेट दुनिया भर में मान्य होगा। ये वाकई में प्रदेश के लिए एक बड़े गर्व की बात है, यहाँ पर ये शुरुआत हुई है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, 300 बीघा जमीन पर पक्षी विहार विकसित करने की तैयारी की जा रही है। बरेली में गांव पंचायत रिक्शा में झील को सारस पक्षी विहार के रूप
रूप में विकसित किया जाएगा। डीएम ने इसका जायजा भी लिया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए बुलंदशहर में चलाया गया मिशन शक्ति अभियान, स्कूल कॉलेजों चौक चौराहों पर छात्राओं को जागरूक किया, आत्मरक्षा के तरीके भी बताए। वह देखिए गाजीपुर में प्रशासन ने जारी की जानकारी, वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्रों की लिस्ट भी जारी हुई, मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मिली 10 लाख रुपए की दान राशि, पंडित गंगा रतन पांडे तथा जगरानी पांडे के नाम से छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी हुआ शुरू। बड़ी खबर है, आगरा में 2 दिन जुटेंगे देश विदेशों के न्यूरो सर्जन, वर्ल्ड फेडरेशन के फाउंडेशन एजुकेशन कोर्स में प्रतिभाग करेंगे ये। 29 और 30 अप्रैल को दुनिया भर से जाने माने न्यूरो चिकित्सक, शिक्षक, विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहाँ कई सारे स्टूडेंट्स को न्यूरोलॉजी के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। अच्छा, प्रयागराज से मुंबई पुणे जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। प्रयागराज के छिवकी स्टेशन के रास्ते दानापुर से पुणे के बीच इस ट्रेन का संचालन होगा। वह देखिए निकाय चुनाव में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से गायब रहे ऐसे कर्मचारियों पर FIR दर्ज होगी। गोरखपुर में दूसरे दिन भी 58 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, 2 दिनों में 130 कर्मी गायब रहे, उनके खिलाफ अब FIR भी दर्ज होगी। बड़ी खबर देखिए, जियो टैगिंग न कराने पर निरस्त होगा लाइसेंस, देवरिया में उर्वरक और बीज के दुकानदारों को 2 दिन का समय दिया गया, यानी खाद बीज के दुकान वालों को जियो टैगिंग करवाना अनिवार्य होगा। PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत जिले के सभी फुटकर उर्वरक और बीज प्रतिष्ठानों की जियो टैगिंग की जा रही है, इसके लिए कृषि विभाग के सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अच्छा, महाराजगंज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी, नगर निकाय चुनाव को लेकर संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कार्यस्थल का दौरा भी किया। और इससे पहले देखिए, कल ही सीतापुर में बोले CM योगी कि काशी, अयोध्या और मथुरा की तरह नेमिश का भी कायाकल्प किया जाएगा। अच्छा, वहीं आपको बताऊंगा, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश रोडवेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट को हैक कर लिया था, तो उसके बाद UP रोडवेज के प्रबंधक निदेशक पर UP सरकार ने कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर है, जिला अदालतों में तैनात 994 न्यायिक अफसरों के तबादले किए जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई। और एक अच्छी खबर देखिए, 2 महीनों में 3000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, UPSC इसको लेकर विज्ञापन भी जारी करेगा। प्रदेश में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। वाकई में जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा PDF ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डेली UP न्यूज के माध्यम से, है ना। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, बेपटरी परिवहन व्यवस्था, ई टिकटिंग प्रणाली शुरू होने का करना होगा इंतजार। दरअसल UPSRCTC की ई टिकटिंग व्यवस्था 4th दिन भी शुरू नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में, और इसके चलते बरेली में काफी रोडवेजों का संचालन नहीं हो पा रहा, यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो जल्द ही यहाँ पर भी ई टिकटिंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव को लेकर योगी ने अलीगढ़ को बनाया सियासी प्रयोगशाला, 90 में से 18 वार्डो पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं योगी सरकार की तरफ से भी। वैसे कल लखीमपुर खीरी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण था ना, तो जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद आंधी आई और पांडाल भी नीचे गिर गया, अपना तपरी सी मच गई। हालांकि गनीमत और राहत की बात ये रही कि भाषण के दौरान ये आंधी तूफान नहीं आया, वरना लोगों को और ज्यादा परेशानी होती। अच्छा खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक प्रचार चुनाव करने से रोका जाए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये इस तरह की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि योगी और अमित शाह के बयान उकसाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो कांग्रेस का डर छिपा है इसके पीछे, जो साफ साफ दिख रहा है कि योगी और अमित शाह ने अगर चुनाव प्रचार किया तो जीत किस पार्टी की होनी ये भी तय है। खैर, पॉलिटिक्स की बातें चीतें और काम के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की खबरें यही समाप्त होती है। वैसे दोस्तों, आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली UP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।